खबर जनपद उधम सिंह नगर से है, जहां अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय गुरुवार को काशीपुर तहसील पहुंचे। एक ओर जहां भवन में तहसील और एसडीएम कार्यालय सब रजिस्ट्रेशन चकबंदी कार्यालय को स्थापित करने के लिए जमीन का निरीक्षण किया, इसके साथ ही दूसरी ओर उन्होंने पत्रकार वार्ता में बताया कि तहसीलदार वाले एसडीएम को जमीन का सर्वे कर जिलाधिकारी के समक्ष रखकर भवन का कार्य शुरू किया जाए, जिससे कि एक ही भवन में सभी कार्यालय होने से जनता को सहूलियत मिल सके। बनाए जाने का हमारा प्रस्ताव चल रहा है, जिसमें एसडीएम को तहसील सबरजिस्ट्रार कार्यालय ट्रेजरी आपूर्ति विभाग के कार्यालय और चकबंदी कार्यालय सबको एक ही छत के नीचे बनाए जाने का है। उसमें जो हमारा एसडीएम कोर्ट है अभी पहले वहाँ जमीन देखी गई, उसकी भी प्रारंभिक ड्राइंग तैयार कराई गई थी। एक जो हमारी बंद पड़ी चीनी मिल है उसके सामने जमीन देखी गई थी। आज एक जमीन हमने कॉलोनाइजेशन विभाग की जमीन देखी है, जो कि हमारे हाईवे पर पड़ती है, रेलवे लाइन के रेलवे स्टेशन है थोड़ा सा। कई जमीनों को हमने देखा, तो ये सारे प्रस्ताव जिलाधिकारी हमारे सामने रखे जा रहे हैं। तो उसमें एक जमीन को अंतिम करने पड़ते हुए अभी जैसे यहाँ के कुछ वकील वगैरह मिले थे, दस्तावेज लेकर मिले थे, अन्य प्रतिनिधि मिले थे यहाँ के, उन्होंने भी यही अनुरोध किया कि यहाँ से बहुत दूर कार्यालय नहीं आना चाहिए। लेकिन ये बात सबके सब सहमत है कि सारे जो हमारे ऑफिसर्स हैं रेवेन्यू से संबंधित, वो सारे एक ही छत में नीचे हो सहूलियत होती है। तो एक तो हमारा आज उसको देखने का था, हमने जमीन देख ली है, सर्वे भी हमने करा रहे हैं, एक दो दिन सर्वे पूरा हो जाता है तो उस पर हम फिर अंतिम निर्णय ले लेंगे कि इस कहाँ किया जाएगा। और इस बीच हम जो तहसील में लोग बैठे हुए हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनका भी सर्वे करने के लिए मैंने यहाँ एसडीएम तहसीलदार से बोला है, ताकि वो भी डाटा हमारे पास है, जब हम बिल्डिंग बनाएंगे वहाँ पर इनको भी बैठने की जगह दे रहा हूँ तो उनमें आसानी रहेगी। दूसरा एक विषय है कि हमारे संज्ञान में आया है कि तहसील काशीपुर के में कुछ ऐसे बैनामे हुए हैं, रजिस्ट्री दाखिल खारिज कराए गए, जिसमें नगर निगम में 2003 से पहले संपत्ति होने का के अभिलेख लगाए गए हैं। तो संज्ञान में आया कि उसमें जो अभिलेख लगाए गए वो कूटरचित भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन तहसीलदार ने खुद जा करके वहाँ पर देखा है कि जिस व्यक्ति ने दावा किया कि यहाँ पर हमारे ये हमारे नाम की संपत्ति है, तो रजिस्टर में वो नाम मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसे में 2-3 दाखिल खारिज हो चुके थे, 5-7 फाइलें और लगी हुई थी। जो फाइलें अभी और लगी हुई थी उनमें तो साक्ष्य देने का अवसर है अभी, उनसे साक्ष्य को जो साक्ष्य दिए गए उनकी पुष्टि कराने के लिए मैंने कहा। दूसरा जिनमें दाखिल खारिज हो गई थी, तहसीलदार ने स्वयं संज्ञान लेते हुए उसको 201 में रिस्टोर कर लिया है, और उनमें जो तथ्य लगाए गए थे उनकी पुष्टि करा रहे हैं।